हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आया था सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक और अभी दौड़ भी रहा हूँ। तो मैं हूँ बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और ये है बरगढ़ का NH। गाड़ी से अभी बहुत फास्ट चल रहा है तो मैं साइड में दौड़ रहा हूँ। और हमारे यहाँ अभी तक सूरज निकला नहीं है, शायद कोई और कंट्री में है। तो मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ मॉर्निंग वॉक और अकेले हूँ। दीपिका मेरे साथ नहीं है, वो रौलकिला में है। मैं इधर अपना ड्यूटी से आया हूँ और यहाँ से कलकत्ता 620 किलोमीटर। सोच रहा हूँ दौड़ दौड़ के जाऊँगा तो कितना देर लगेगा, पर वहाँ जाके क्या करूँगा। दीपिका तो रौलकिला में है। दीपिका को थोड़ा थोड़ा मिस भी कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे बात सब आ रहे हैं मन में। कभी कभी फील होता है कि वो मेरे साथ है, साथ में ऐसे वॉकिंग कर रहे हैं, फिर रियलाइज होता है कि वो नहीं है, मैं अकेले हूँ। पर कोई बात नहीं, और बहुत जल्द आऊँगा रौलकिला, फिर आप लोग को हम दोनों को साथ में देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए हम लोग अपना अपना ब्लॉग कर रहे हैं। पर मैं ड्यूटी में थोड़ा बिजी था, इलेक्शन हम लोग का ओडिशा में इलेक्शन ड्यूटी चल रहा था तो बना नहीं पा रहा था और ख़त्म हुआ अभी। तो मैं आज बहुत दिन के बाद भी आ रहा हूँ। तो अभी मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ तो एक बात याद आ रहा है, हम लोग साथ में साइकिलिंग करते थे और पूरा रौलकिला का रिंग रोड चक्कर मारते थे। तो छोड़ो ये सब बात। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत दिन के बाद आज आया हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, ड्यूटी चक्कर में आ नहीं पा रहा था। तो सोचा कल से जाऊँगा मॉर्निंग वॉक और अलार्म दिया और 4:45 में अलार्म दिया था और जब अलार्म बजा तो मैं फिर से अलार्म बंद करके सो गया। सोच मेरा मन बोला मुझे कि बेटा सो ले, कल से जाना। फिर सो गया और 5 बज गया। फिर 5 बजे फिर से उठा, फिर सोचा जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर मन को मैं समझाया कि चलो कम से कम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कम से कम वॉकिंग करके आ जाना। फिर कितना मुश्किल से मैं उठा और आया और अभी देख सकते हो मैं मॉर्निंग वॉक आया था, फिर मॉर्निंग वॉक करके दौड़ भी लिया। मतलब देखो सुबह मुझे आने मन भी नहीं कर रहा था और जब आ ही गया तो सोचा आ ही गया हूँ तो थोड़ा दौड़ ही लेता हूँ। फिर मैं आया और दौड़ भी लिया। लाइफ में यही होता है, तो लाइफ में कुछ करना है तो धीरे धीरे करो, एक दिन धीरे धीरे सब कुछ पूरा होगा। कहीं मैं सुना था लाइफ में कुछ करना है तो धीरे धीरे करो, आई मीन बेबी स्टेप लो। जैसे मुझे आज मन नहीं कर रहा था फिर आ ही गया तो थोड़ा दौड़ लेता हूँ सचा। और दौड़ लिया तो बेबी स्टेप इज वर्किंग। और मुझे आज बहुत खुशी लग रहा है। तो यही था आज का मॉर्निंग थॉट। और मैं अभी हूँ छत में तो थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, वैसे मैं बहुत मोटू हो गया हूँ। सब दीपिका का प्यार है, आप लोग का दीपिका पूरा यूनिवर्सल भाभी बन गई। तो थोड़ा वेट भी कम कर लूँगा और थोड़ा फिट भी रहना ज़रूरी है। तो अभी मेरा लाइफ दीपिका का बिना सुना सुना हो गया है। तो स्ट्रगल सबका लाइफ में आता है और स्ट्रगल के बाद खुशी मिलता है। सो यू पीपल, आप भी अपना लाइफ में स्ट्रगल करो, मेहनत करो, एक दिन लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा। सो दोस्तों, मैं आज आप लोग को ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है रामी वेल्थ। ये रियल मनी मेकिंग ऐप है। इसमें मैं जीता 7,000 रुपया 20 मिनट में, तो शेयर करना चाहता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आपको 500 का रिचार्ज करना है, उसके बाद कोई भी एक गेम चूज करना है आपको। उसके बाद मैं दिखाता हूँ 200 रुपया कितना आसानी से अर्न करता हूँ, बट ये मेन पॉइंट नहीं है। तो पूरी वीडियो को केयरफुली देखना और मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट जिससे मैं अर्न किया। ये पॉइंट है थ्यूज 3x बेट प्रोडक्शन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं 100 रुपया हार चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे 300 का बेट लगा रहा हूँ। देखते रहना, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे 300 रुपया हार चुका हूँ, बट ये मैटर नहीं है क्योंकि इसके बाद जो पार्ट है वो बहुत एक्साइटिंग है। अभी मैं यूज करता हूँ 3 गुना इन्वेस्टमेंट ट्रिक रिकवर करने के लिए। बूम, देखो गाइस मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। सो गाइस देखिए आपके सामने थे 650 जीत चुका हूँ, मैं ऑलमोस्ट 750 जीत चुका हूँ 3 मिनट के अंदर। वैसे तो मैं बहुत कम ऐप रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो इस ऐप से मैं कमाता भी हूँ। सो अगर आप भी डर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग अर्न कर सकते हैं 41 रुपीस यहाँ पे साइन अप करके, लेकिन आपका मिनिमम विड्रॉल होगा 100 रुपीस का। इसे यहाँ पे अर्न किए हैं वो बड़ी आसानी से अपने अकाउंट पे विड्रॉ कर सकते हैं।
सो दोस्ती मान ये तो रहे मोर एक एक्स्ट्रा पार्ट जेखन जेके की रौरे मान एखन देख ली इकार लगिन मोके कुछ कुछ मिलेला ला और मैं इकार में सादरी में है लगिन बता था ताकि जे मान मोके प्रमोशन लगिन दी रहे मान जाने के नहीं पा रहे हैं बुझे के नहीं पा रहे हैं लेकिन रौरे मान खेलवा हाल इकार में आदत भी लग जा सकेल और तो पैसा गमा भी सकल उकर लगिन मुँह तो नहीं चाहो ना कि तुम्हारा ये सब हो कह के तो रौरेमान नहीं खेलवा ओहे हैं अच्छा है और ये सब कार्य के रहे मकसद रहे कि हमार यही से हैं इनकम होल तो ये सब हमारे करे लेकिन हमें रिकमेंड नहीं करे कि रौरेमान ये सब के खेलवा और बस और अच्छा नहीं लगे तो ये पार्ट के स्क्रिप्ट स्किप भी करके देखे सकल स्किप कर देवा और ये सब ओसन रहे जे जेमन नहीं जैन है बहुत मन तो जैन है बहुत मन नहीं जैन है लेकिन जेमन नहीं जैन है उमन लगिन मैं इके बताए लगिन चाहो ना तो यह रहे इकर बारे बताए लगिन तो आए हैं तो कुछ एक्सरसाइज और इधर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग रील्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और इधर कोरियोग्राफ कर रहे हैं इधर और इसको सिखाना है इसके लिए हम लोग आज रील्स बनाएंगे आज लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है एंटरटेन हो रहे हैं हम लोग का तो सो गाइस हम लोग हैं छत में और कुछ कुछ एक्सरसाइज कर लिए और अभी रील्स बनाएंगे सो गाइस हम लोग छत में एक्सरसाइज कर रहे थे दौड़ के और इधर हम मेरा ग्रुप वाले कुछ कुछ मेंबर्स हैं डीजे और ये है इनका नाम और ये लोग पुष्पा कर रहे हैं किसी के सामने झुकेंगे नहीं ये लोग तो हम लोग कुछ कुछ रील्स बनाएंगे अभी तो प्रैक्टिस चल रहा है तो गैस हम लोग अभी रील्स बना रहे हैं हम लोग का मेरा दोस्त है इसका नाम है डीजे आज पुष्पा बना है पुष्पा में चल रहा है तो हम लोग गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए और अभी हम लोग है छत में तो टाइम पास नहीं हो रहा था तो यही काम चल रहा है यार मैं आया हूँ ड्यूटी पर काम ये मेरा ड्यूटी चल रहा है तो मैं इसके लिए अभी रील्स बना दूंगा सो गैस हम लोग रील सर्च कर रहे हैं खतरनाक वाला आज बनाने वाले हैं आज और नाम सांगे तोड़ता बोलो लो और सो गाइस हम लोग छत में एक्सरसाइज करते करते फन मस्ती कर रहे थे कुछ कुछ रील्स बना रहे थे वैसे तो हम लोग को कुछ आता नहीं पर जस्ट फॉर फन हम लोग अपना रील्स बना रहे थे और हो गया मज़ा आ गया और कुछ कुछ फन मोमेंट था जो कैप्चर होने पे तो थोड़ा मिस हो गया नहीं तो आप लोग को उसको भी दिखाता पर नेक्स्ट टाइम देखेंगे